क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ. द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी. द मीन पॉकेट अलाउंस इज रुपीज 18. अब यहाँ पे आपको मीन उन्होंने बता दिया, उन्होंने लाइन क्या बोली है, द मीन पॉकेट अलाउंस इज रुपीज 18. दैट मीन्स यहाँ पे जो मीन है हमारा वो कितना गिवन है हमें, 18 गिवन. ठीक है, ओके. अब इसके बाद आपको क्या बोला गया है कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ. अब हमने जो फर्स्ट टू क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने दो मेथड सीख लिए थे मीन के, डायरेक्ट मेथड एंड अज्यूम्ड मीन मेथड. ठीक है, उसमें हमारे पास क्या था, फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन की हुई थी. बट यहाँ पे क्या किया, हम मीन निकालते होते थे फर्स्ट टू क्वेश्चंस में, यही किया है. सारा टेबुलर फॉर्म हमें गिवन होता था, हम मीन निकालते थे. यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन रिवर्स कर दिया, मीन दे दिया, फ्रीक्वेंसी का एक पार्ट पूछ लिया. ठीक है, बट मेथड हम वही फॉलो करेंगे जो हमारा नॉर्मली चल रहा है. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे आपके पास उन्होंने बोला है आपको मीन इज 18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ. अब ये वाला जो कॉलम है, ये मेरा कॉलम किसका होता है, एफआई का होता है. फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन ऐसे चलता है. सबसे पहला कॉलम हमारा क्या बनता है, क्लास मार्क का एक्स आई. और ये एक्स आई कहां से निकलता है, अपर लिमिट का लोअर लिमिट अपॉन 2. तो 13 प्लस 11 अपॉन 2 इट विल बी 12. ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 12. बिकॉज़ 13 प्लस 11 24, 24 अपॉन 2 12. एंड मोर ओवर मैंने तुम्हें बोला था कि क्लास मार्क क्या होता है, ये एवरेज ही होता है. तो दैट मीन जे इसकी क्या आएगी, कोई बीच वाली वैल्यू ही आती है. ठीक है, तो 13 प्लस 15 अपॉन 2 हो जाएगा, तो इट विल बी 14. और मैंने तुम्हें एक और हेल्प बताई थी इसमें कि इनका गैप देख लो कितना है, 2 2 सब में कितना गैप है, 2 2 का ही है. तो सिंपली 2 2 ऐड करते जाओ, तो नेक्स्ट आ जाएगा 16. देखो बीच में ही है, नेक्स्ट 18 बीच में है, 20 ये भी बीच में है, 22 ये भी बीच में है, प्लस 2 24. सब में 2 2 ऐड करते जाओ. जब हमारा अगर क्लास साइज सेम है, पहले चेक कर लो कि क्लास साइज सेम है, तो आपने नेक्स्ट में 2 2 ऐड करते जाओ. ठीक है, हमारा ये एफ आई का कॉलम हो गया, एक्स आई का कॉलम हो गया. अगर तुम इसमें डायरेक्ट मेथड फॉलो करोगे तो तुम्हारा एफ आई एक्स आई का कॉलम हो जाएगा. बट अगर एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करोगे उसमें क्या करना पड़ेगा, पहले ए निकालना पड़ेगा. एंड मैं तुम्हें इसमें यही सजेस्ट करूंगी बेटा कि एज्यूम्ड मीन मेथड ही लगा लेना. ठीक है, अभी बिकॉज इसमें कैलकुलेशन बड़ी पड़ी है, 6 × 14, 9 × 16, बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो कैलकुलेशन में कहीं गलती ना हो जाए. समझ आया, चलो अब एज्यूम्ड नंबर निकालते हैं पहले, बिकॉज हम एज्यूम्ड मीन मेथड करने लगे यहाँ पे. ठीक है, तो एज्यूम्ड नंबर क्या आएगा मेरा, 18 आ जाएगा. 3 वैल्यूज ऊपर छोड़ दी, 3 वैल्यूज नीचे छोड़ दी, मिडिल वैल्यू आ गई 18. तो ए मैंने कितना ले लिया यहाँ पे, 18. ठीक है, अब मैं डीआई वाला कॉलम बनाऊंगी. डीआई क्या होता है, एक्सआई में से ए को माइनस कर दो, मतलब मैंने किसको माइनस करना है, 18 को. तो 12 माइनस 18 माइनस 6, 4 माइनस 18 माइनस 4, 16 माइनus 18, 18 माइनus 18, 20 माइनus 18, 22 माइनus 18 and 24 माइनस 18. ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो कॉलम बनेगा वो किसका बनेगा, एफ आई डी आई. ठीक है, समझ आई बात. अब एफ आई डी आई कैसे निकालते हैं, एफ आई ए रहा, डी आई ए रहा. तो 6 × −7 −42, 6 × −4 −24, 9 × −2 13 × 0 0, f × 2 2f, 5 × 4 20, 4 × 6 24. ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे by assumed mean method, हम यहाँ पे कौन सा मेथड लगा रहे हैं, assumed mean method लगा रहे हैं, तो मेरा जो मीन है वो किसके इक्वल आएगा, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई प्लस ए. मैंने assumed नंबर को क्या कर देना यहाँ पे, एड. क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी मर्जी से माइनस किया था उसको, कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए. लगी बात समझ. अब एफ आई डी आई एड करो, इसका इसको भी एड करना है और सिग्मा एफ आई भी निकालना है, तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा. अब इसमें ना एक स्पेशल ध्यान क्या रखना है, ये जो 2f वाला पार्ट है ना, इसको अलग से पहली साइड लिख दो, बिकॉज हमने इसको ऐड तो बीच में कर ही नहीं सकते ना नंबर्स के बीच में. चलो अब देखो 24 माइनस का पड़ा
का बड़ा कैंसिल हो जाएगा। yes, मैंने इन सभी पार्ट को ऐड करना है तो 24 ये वाला और ये वाला तो कैंसिल हो गया। yes. 20 माइनस 18 2 आ गया, 2 माइनस 20 माइनस 42 आंसर कितना आ गया माइनस 40। ठीक है अब इनको ऐड कर लो तो 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 9 22, 22 प्लस 13 35, अब प्लस f तो साइड पे रखो, अब 35 प्लस 5 40 प्लस 4 42। ठीक है इतना समझ आ गया। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दो, मेरे को मीन कितना गिवन था 18, a मैंने कितना लिया हुआ ये भी 18 ही है, a भी कितना है 18 ही है। सिग्मा fi लिया ये कितना हो जाएगा माइनस 40 प्लस 2 अपॉन सिग्मा fi कितना है 44 प्लस f। वैल्यूज पुट कर दी, सिग्मा fi di की पुट कर दी, सिग्मा fi की भी पुट कर दी, a की और मेन की जो भी गिवन था पुट कर दिया। चलो अब 18 माइनस 18 0, यहाँ पे हो गया 18 माइनस 18 0 और इधर क्या बचा है माइनस 40 प्लस 2 है अपॉन 44 प्लस f, इधर हमारा आ जाएगा माइनस 40 प्लस 2 है। अब ये वाला पार्ट उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, अब 0 इनटू क्या करना है 44 प्लस f, 0 इनटू कुछ भी हो आंसर, तो यहां से मेरा क्या आ गया 40 उधर जाके प्लस हो गया 0 प्लस 40 40 तो 2f is equals to 40 तो f की वैल्यू 40 अपॉन 2 कितना आंसर आ गया 20, तो f की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20। तुम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते थे बेटा कि सिग्मा fi x है अपॉन सिग्मा fi कर देते, वो भी लगा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना है कि मैंने ये वाला मेथड यूज कर लिया कि कैलकुलेट एक कॉलम ही बनेगा ना एक्स्ट्रा बट कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। समझ गए बात क्लियर है किसी को कोई डाउट, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें तुम्हें एफ निकालना आ जाएगा। अब यहाँ पे तो सिंपल ए की एफ निकालना था, दो एफ निकालने के लिए भी आते हैं वो हम करेंगे जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे लेवल 1 टू 3 करते हैं उसके हम एनसीईआरटी के बाद ना उन क्वेश्चंस में करवाऊंगी तुम्हें। ठीक है समझ आ गया, कॉन्सेप्ट उसमें भी यही रहेगा, बस बात यह है कॉन्सेप्ट सेम है दोनों में। क्लियर कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो इसमें क्या बोल रहा है, 30 वुमेन आर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाय द डॉक्टर। अब यहाँ पे क्या है 30 वुमेन है, ऑब्वियस सी बात है इसका टोटल कितना आने वाला है 30, हम बाद में चेक भी कर लेंगे क्रॉस चेक करने के लिए। ठीक है एंड द नंबर ऑफ हार्टबीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोस। हार्टबीट के हिसाब से बता दिया कि 70 टू 77 हार्टबीट कितनी नंबर ऑफ वुमेन की आई थी 8। ठीक है ऐसे हमें टेबुलर फॉर्म दे दी गई है। ओके फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट, क्या निकालना है मीन। ठीक है फॉर दीज वुमेन चूजिंग द सूटेबल मेथड, आपने मेथड खुद सिलेक्ट करना है और आपने इसमें क्या निकालना है मीन। ओके अब आ जाओ क्वेश्चन पे, अब ये वाला पार्ट तुम्हारा है क्लास इंटरवल। ठीक है ये है नंबर ऑफ वुमेन तो ये एफ आई हो गया, सबसे पहले हमारा क्या बनेगा एक्स आई क्लास मार्क, क्लास मार्क निकाल लेंगे तो उसको हम क्या बोल देते हैं एक्स आई। ठीक है ओके अब एक्स आई निकालते हैं पहले तो क्या आएगा 65 प्लस 68 अपॉन 2 क्या करना है 68 और 65 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 तो कितना आ जाएगा 133 अपॉन 2 तो 6 पॉइंट्स में आ गया ना ये सारे। चलो कोई बात नहीं तो इट विल बी 66.5 एंड 65 और 68 के बीच में 66.5 तो आता ही है। अब नेक्स्ट निकालने के लिए क्या करते हैं देखो इनमें गैप 3 3 3 इसमें 3 नेक्स्ट 3 सब में 3 3 का गैप है 3 3 क्या करते रहो तो ये क्या आ जाएगा 69.5 आगे 72.5 आगे 75.5 अब तुम चेक कर लो इनके बीच में है बिल्कुल है 80 और 83 के बीच में ये सारी वैल्यूज बीच में ही आ रही। ठीक है तो एक्स ही आ गया इसके बाद अब ऑब्वियस ही बात है इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन तो मैं नहीं कर रही एफ आई एक्स वाला पार्ट तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी, मैं अभी एज्यूम के मेन मेथड पे आती हूँ उससे अगर ना इजी हुई तो कौन से मेथड पे आ जाएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है तो पहले आ जाओ एज्यूम्ड मीन
वाले पार्ट पे। तो ए क्या लेंगे हम, ए की वैल्यू क्या आएगी 75.5 आ जाएगी, थ्री वैल्यूज नीचे छोड़ती, थ्री वैल्यूज �ऊपर छोड़ती, तो 75.5 आ गया। मेरा DI क्या आ जाएगा, इट विल बी XI माइनस A, मतलब मैं XI में से क्या माइनस कर रही हूँ, 75.5 माइनस कर रही हूँ। ओके, तो 66.5 माइनस 77.5 कितना आंसर आ जाएगा, माइनस 9। हाँ ठीक है, नहीं बेटा ठीक है, DI का कॉलम आ गया। अब ये थोड़ा सा हमें इजी लग ही रहा है वैसे तो, बट अगर आप स्टेप डेविएशन लगाएं, अब स्टेप डेविएशन मेथड भी समझना अभी हमें, तो उस पे चलते हैं। अब स्टेप डेविएशन में क्या होता है, यहाँ पे पहले हमने XI माइनस A कर दिया, अब हम नेक्स्ट निकालते हैं बेटा इसमें UI, वो क्या होता है XI माइनस A अपॉन H। XI माइनस A कर चुके हो, इसको मैंने अब किसके साथ डिवाइड करना है, H के साथ। H क्या होता है हमारा क्लास साइज, क्लास साइज क्या है यहाँ पे 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वो कितना है 3, मतलब मैंने इन सब को किसके साथ डिवाइड करना है 3 के साथ। बेटा देखो XI माइनस A की वैल्यू ये पड़ी, इसको मैंने किसके साथ डिवाइड करना है H के साथ, और H हमारा कितना है 3, तो इट विल बी माइनस 3, इसको माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3, सारों को किसके साथ डिवाइड कर दिया 3 के साथ। तो हमारा UI क्या हो जाएगा XI माइनस A अपॉन H, हमने 3 के साथ सबको क्या कर दिया डिवाइड, बिकॉज़ ये XI माइनस A वाला कॉलम है, अब हमने क्या करना है H के साथ डिवाइड करना था, तो डिवाइड कर दिया, समझ आ गया। अब हम निकालेंगे FI UI, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में हम बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, assumed mean method में हमने इनको मल्टीप्लाई किया FI DI को, अब step deviation में हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे FI UI, ठीक है। चलो अब FI UI 2 into minus 3 minus 6, 4 into minus 2 minus 8, 3 into minus 1 minus 3, 8 into 0 0, 7 into 1 7, 4 into 2 8, 3 into 2 6, हो गया सिंपल, और ज्यादा सिंपल कैलकुलेशन होगी, ठीक है। कहां पहले इनको मल्टीप्लाई करना था, इजी बना लिया, और ज्यादा इजी बना लिया, ठीक है। अब हमारा जो यहां पे स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला बनेगा, देखो कैसे बनेगा, बाय स्टेप डेविएशन मेथड हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो mean is equals to sigma fi ui upon sigma fi, ये तो करना ही है। अब तुम ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने h के साथ अपने आप डिवाइड कर दिया, तो फॉर्मूला में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, h के साथ। a यहाँ पे माइनस किया था तो बन गया फॉर्मूला, लगी बात समझ, यस मैम। क्लियर है बेटा, जैसे हमने assumed mean में फॉर्मूला बना के बता दिया था मैंने तुम्हें कि उसमें a क्यों ऐड किया, यहाँ पे भी यही रीजन है, h डिवाइड किया तो इधर मल्टीप्लाई हो गया, a इधर माइनस हो रहा था तो फॉर्मूला में जाके उसको प्लस कर दिया टू बैलेंस, अपनी मर्जी से हम डिवाइड नहीं कर सकते तो फॉर्मूला में मल्टीप्लाई भी कर दिया। चलो अब सिग्मा एफ आई यू वाई प्लस करो, क्या आएगा 8 और ये 8 कैंसिल, 6 और ये 6 कैंसिल, क्या बचा सिर्फ 7 माइनस 3, क्या हो गया 4, और इसका टोटल चाहे चेक कर लो, 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 प्लस 4 28 प्लस 2 30 ही आ रहा है, ठीक है, समझ आई बात। अब यहाँ पे सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू क्या है 4, एंड सिग्मा एफ आई इज 30 इनटू एच की वैल्यू कितनी है 3, और इसको ना आपने लिख लेना है,
ताकि ढूंढना ना पड़े हमें दोबारा. इंटू 3 प्लस ए की वैल्यू कितनी है 75.5. ओके अब यहाँ पे 3 और ए कट गया. 4 अपॉन 10 0.4 प्लस 75.5 तो 75.9. ठीक है. और इसमें ना एक पार्ट मिस हो गया था जो मीन का आंसर है. यहाँ पे मीन का आंसर क्या है नंबर ऑफ हार्ट बीट्स. तो यहाँ पे कोई भी यूनिट्स नहीं लगेंगे. बट क्वेश्चन नंबर 2 में ना रुपीज थे. क्वेश्चन नंबर 2 में रुपीज थे हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ. ये पार्ट रह गया था मिस हो गया था. डेली वेजेस थी. अब डेली वेजेस है वो रुपीज में होंगी ना. तो मीन का आंसर भी किसमें लिखना है रुपीज में. तो मीन हो चाहे मतलब कोई भी हमारी सेंट्रल टेंडेंसी रहेगी तो उसमें यूनिट्स लगानी है. मीन हमारा जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी आंसर आया था साथ में रुपीज लगा देना. ये मिस हो गया था. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ. इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोस केप्ट इन द पैकिंग बॉक्सेस. दीस बॉक्सेस कंटेन्ड वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोस. द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैंगोस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस. आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे दी गई है कि अगर 50 to 52 मैंगोज होंगे तो उसके कितने बॉक्सेस हैं 15. 53 to 55 के कितने बॉक्सेस हैं 110. ऐसे करते हो तुम्हें पूरा टेबल बना के दे दिया उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन करके दी है. ओके फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन द पैकिंग बॉक्स. मीन नंबर ऑफ मैंगोज तो क्या निकालना है मीन. ठीक है. विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज. वो तो अभी अपन लिख ही देते हैं. वैसे भी मेथड हमेशा जब भी आपने मीन निकालना है मेथड को मेंशन करना ही करना है कि हम बाय डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं बाय एज्यूम्ड मीन मेथड कर रहे हैं कि बाय स्टेप डेविएशन कर रहे हैं. ठीक है. ये चीज आपने लिखनी ही लिखनी है. ओके चलो मूविंग टू द क्वेश्चन. अब इसको सॉल्व करते हैं मीन निकालते हैं. तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे ना क्या प्रॉब्लम है 50 to 52 है. नेक्स्ट क्या आना चाहिए था 52 आना चाहिए था जो भी आगे होता. बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गई 52 के बाद 53 है 55 के बाद 56 है 58 के बाद 59 है. बाद का गैप है. अब मेरे को इस टेबल को क्या बनाना पड़ेगा कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ेगा. तो इसको कॉन्टिन्यूस बनाओ पहले. देखो अब भी बिल्कुल सही हमने 9th में किया ही है ये वाला पार्ट. अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मैंगोज का अभी हम क्लास इंटरवल बनाते हैं कैसे बनेगा. इन दोनों के बीच में गैप कितना है 1 को किससे डिवाइड करना है 2 के साथ. अच्छा अगर 2 का गैप होता तो 2 डिवाइडेड बाय 2 कर देते. डिवाइड 2 से ही करना है हमेशा. ठीक है. जो भी गैप है डिवाइड बाय क्या कर दो 2 तो कितना आ गया 0.5. इस लोअर लिमिट में ये सारी लोअर लिमिट है ये वाली सारी अपर लिमिट है. लोअर लिमिट में 0.5 क्या कर देना है माइनस एंड अपर लिमिट में 0.5 क्या कर देना है प्लस. हमारा ये क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा कंटीन्यूअस बन जाएगा. बात समझ आई. ये जो भी गैप होएगा डिवाइड बाय हमेशा क्या होना है 2 ही होना है. ओके तो ये क्या बन जाएगा 50 में से माइनस करना है तो इट विल बी 49.52. क्या आ जाएगा 52.5. नेक्स्ट 52.5 to 55.5 अगर आपने इसके हिसाब से कर दिया आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है. आपका क्वेश्चन ही रॉन्ग होएगा बिकॉज यहाँ पे क्लास इंटरवल्स का कंटिन्यूस होना जरूरी होता है. ठीक है. अब इधर है हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस एंड ये नंबर ऑफ बॉक्सेस का एक्चुअल में कॉलम किसका है F5 का जो भी है 15 110 135 115 and 25. ये हो गया. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट अब हमारा नेक्स्ट कॉलम क्या बनता है पहले XI क्लास मार्क. हाँ जी. तो 49.5 एंड 52 ये कितना आ जाएगा 112 अपॉन 2 तो कितना आंसर आ गया यहाँ पे 56. सॉरी 56 तो इसके बीच में आएगा कुछ कर दो तो 102 है 49.5 plus 52.5 is 102. 102 upon 2, 51. अब यहाँ पे क्लास मार्क मेरी 56 आ गई थी बाय चांस प्लस में गलती हो गई. अब 56 था फटाफट दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए 56 तो इसके बीच में आएगी ना. ठीक है.
सो नेक्स्ट, अब इनमें गैप कितना कितना है, कितना गैप है इसमें, थ्री का गैप हो गया, ठीक है। तो अब मतलब हमने इन दोनों को माइनस किया इन शॉर्ट, ठीक है। तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे हमारा कितने का गैप आ रहा है, थ्री का। तो हमने थ्री थ्री क्या करते जाने, अब ऐड करते जाने इसमें इसमें। तो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, 54। नेक्स्ट नेक्स्ट 16। ठीक है, और अगर आपको इसको क्रॉस चेक करना हो तो देख लो 55.5 और 58 के बीच में ही है, 58.5 को 16 के दोनों के बीच में ही है और 63 इन दोनों के बीच में ही है, ठीक है। समझ आ गई बात, यहाँ पे क्लास मार्क के लिए बेटा ये चेक कर लेना, बट ये जरूर हो कि क्लास साइज सबका सेम है, ये बात का ध्यान रखो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हमारा कॉलम क्या है, डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। ऑब्वियसली बात है, एफ आई एक्स आई तो नहीं करूंगी मैं, बहुत बड़ा ही है। चलो अब एक्स आई क्या, ए क्या आएगा हमारा, 57। ए हमारा कितना है, 57। ओके, तो 51 माइनस 57 माइनस 54 माइनस 57 जीरो, 3 6। ठीक है, डन, एक्स आई माइनस ए हो गया। इसके बाद हमारा कॉलम बना लो एफ आई डी आई का, अज्यूम्ड मीन मेथड ही लगा लेते हैं, सिंपल हो ही गया। स्टेप डेविएशन लगाओगे तो और 1 2 नंबर ही रह जाएंगे, बस 1 एंड 2, बस नथिंग एल्स, ठीक है। आप चाहे स्टेप डेविएशन ही लगा लो, एक उसकी प्रैक्टिस स्टेप डेविएशन करके। अब यहां पे हो जाएगा एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एक्स आई माइनस ए का कॉलम बना हुआ है, एच कितना है यहाँ पे, क्लास साइज क्या है हमारा, 3। ठीक है, 3 के साथ डिवाइड कर दो, माइनस 2 इसको डिवाइड किया, 1 0 1 2। अब नेक्स्ट कॉलम हमारा बनना है एफ आई यू आई का, तो एफ आई यू आई 15 × -2 110 - 1 - 135 × 0 मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, H के साथ, और प्लस कर देना है A, मल्टीप्लाई बाय H क्यों किया, क्योंकि डिवाइड किया H के साथ, प्लस क्यों किया A, क्योंकि माइनस किया था यहाँ, ठीक है। चलो अब इनको करो सॉल्व, अब ये आ जाएगा आपका 5 और इधर 50 माइनस 30 विल बी 20, तो 25 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे एफ आई का टोटल इनको प्लस करो तो 125 और 135 125 400 आ रहा है। चलो अब वैल्यूज पुट करो, सिग्मा एफ आई यू आई मतलब आ गया 25 अपॉन सिग्मा एफ आई आ गया 400 इनटू एच की वैल्यू 3 प्लस ए की वैल्यू 57। अब पहले ये वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो 25 और 400 की कटिंग हो जाएगी, कौन से टेबल पे, 16 पे। क्या हुआ, क्या बोला आपने, 25 और 400 की कटिंग हो जाएगी, 25 × 16 400 होएगा, ठीक है। अब 3 upon 16 इसको डिवाइड कर लेते हैं पहले, फिर 57 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो करो इसको डिवाइड करो, 0.18। चलो चेक कर लेते हैं, बड़ी पहले 1 16 आ जाएगा, फिर आया 14, 140 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, पॉइंट हमारा आ जाएगा 1.8। तो 0.18 प्लस 57 इज 57.18। 0 लगाया मैंने, पहले नहीं लगाया।